आज बारिश में जो है हमारा जोमेटो धन लक्ष्मी लुटा रहा है। इसका ये फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, थैले में डाल देते हैं, ये बढ़िया है यार, ऊपर जाने की झंझट खत्म। ना मैं रखता हूँ 500 के तो खुले रख ही था हूँ, इसी चक्कर में कि कस्टमर का पता नहीं होता। तो भाई जोमेटो बोल रहा है कि आप आउटलेट की फोटो डालो ताकि किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो, तो इसकी आउटलेट की फोटो डालना सिखाता हूँ मैं। तो भाई घर आके देखा तो स्विगी की तरफ से अनाउंसमेंट आया है दिल्ली में, डियर स्विगी पार्टनर, टैग इशू की वजह से आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक द टीवी, और हो चुकी हमारी एक और शानदार सी वीडियो शुरुआत। और आज है शनिवार, और शनिवार को आए थे हम बत्रा जी के साथ क्रिकेट खेलने, और क्रिकेट खेलते आ गई है बारिश, हमारा मैच पूरा हो नहीं पाया लेकिन वीडियो तो कंप्लीट करनी है। बत्रा जी आज क्या करने का मूड है? आज बारिश में जो है हमारा जोमेटो धन लक्ष्मी लुटा रहा है, चार चार ओवर, पांच पांच ओवर भाई, क्योंकि बारिश पूरे दिन लिखी हुई है तो स्पिन भी दे रहा है और सर्च ओवर भी दे रहा है, साथ में आपको इंसेंटिव भी दे रहा है, तो भाई उम्मीद है कि हम टारगेट चैलेंज करेंगे आज जोमेटो। तो दिन में भी ऑफर है और शाम का भी ऑफर है, तो दिन वाला कर लेंगे कंप्लीट, अगर बारिश कंटिन्यू नहीं आई तो शाम को भी कर लेंगे। बाकी अभी हम रेडी हैं स्पिन के 10 रुपए लेने के लिए, 5 मिनट करेंगे 10 रुपए मिलेंगे पक्का है। तो आज 5 गिग्स पे 5 ऑर्डर के बाद 1 स्पिन दे रहा है, 5 दिन में भी 2-10 तो कर ही देंगे, 10 ऑर्डर हो जाएंगे तो 2 स्पिन तो मिल ही जाएंगे, 20 रुपए तो कमा ही लेंगे यार कम से कम, और तो कुछ नहीं। तो काफी सारे ऑफर है, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखा दूंगा। चैलेंज करना है, पिछली बार तो हार गए थे, आज जीतने का है उम्मीद है जीत जाएंगे। तो चलो करते हैं, जैसे भी अगर बारिश नहीं हुई तो हम भी काम कर लेंगे, नहीं तो लग नहीं रहा जिस हिसाब से बादल हो रहे हैं ना, ये देखो ओहो हो खतरनाक ही बादल हो रहे हैं और कंटिन्यू बारिश आए जा रही है, अभी भी रुकी नहीं है। तो चलो घर चलते हैं, अगर बारिश रुकी तो काम करके दिखाएंगे, ठीक है? जोमेटो करेंगे बत्रा जी, ठीक है? डन हो गया, डन हो गया। राइट 12 बजे लॉग इन कर लिया, लॉग इन करने के 5 मिनट बाद आज का हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ गया है हीरा स्वीट से, बस रोड पार करते हीरा स्वीट सामने ही है। और आज के इंसेंटिव की बात करें तो इंसेंटिव तो 3-4 तरह के इंसेंटिव दिखा रहा है, लेकिन अभी जो दिन में हम काम कर रहे हैं तो आज लंच में भी इंसेंटिव दे रहा है, आप 2 गिग्स कंप्लीट करो 12 से 2 और 2 से 4 वाली, 4 घंटे में आपको 140 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा और उसमें आपको करने हैं 8 ऑर्डर। तो 8 ऑर्डर तो मुझे लग नहीं रहा हो पाएंगे, क्योंकि 4 घंटे में 8 ऑर्डर हो जाने चाहिए, 1 घंटे में 2 ऑर्डर की एवरेज, लेकिन ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी कोशिश करेंगे 8 ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, फिर ये स्पिन भी दे रहा है, 8 की जगह 10 हो तो अच्छा है, 2 स्पिन भी कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी यार शाम को बारिश आने का है तो शाम को पता नहीं काम कर पाए ना कर पाए, सुबह बारिश आई थी किचड़ उचड़ कर गई, लेकिन अब तो वापस से सूर्यदेव प्रकट हो गए, धूप निकल रही है। और ये आ गया भैया हमारा हीरा स्वीट, ऑर्डर रेडी मिलना चाहिए, बस ऑर्डर रेडी मिलेगा तो अपन फटाफट ऑर्डर करते जाएंगे। पेमेंट रीच करके देखता हूँ ऑर्डर रेडी है कि नहीं है, यहाँ तो वैसे भी अलग अलग जगह से ऑर्डर लेना पड़ता है। तो ये सेल्फी वेल्फी ना मांगे, ओ भैया सेल्फी, अब यार कैमरा हटाऊँ इसको सेल्फी देने के लिए, यार ये बड़ी आफत है, मैं इसको कैसे सेल्फी दूँ, हद होगी, मेरी लेगा नहीं सेल्फी, अभी सेल्फी देखी तो लॉगिन किया, ले भाई सेल्फी ले ले, वो फेस डिटेक्ट कर लिया, ले भाई कैमरे के साथ सेल्फी दे दी, सेल्फी क्लिक सक्सेसफुली, बढ़िया। देसी घी बीकानेरी बर्फ़ी, लो भाई बीकानेरी बर्फ़ी ले लेते हैं, इसका भी यार जोमेटो मज़े लेने लग गया पूरे पूरे, अरे भैया दे दो हमारी बीकानेरी बर्फ़ी। भैया स्लिप अंदर है पार, अरे यार हेलमेट भैया लॉक को रखा है, ला दो, उतरेगा नहीं बहुत भारी है या तो ला दो, है हेलमेट उतरेगा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट है, उतारने में दिक्कत होती है, उतारने पहनने में बहुत दिक्कत होगी हेलमेट, ये और नेतागिरी कर, हेलमेट उतारो, आज तक तो हेलमेट उतारा नहीं है, कैमरा देख के नाटक करते साले। भैया देना यार ये ऑर्डर, खुद अपने आलस में नहीं आएगा, मैं कह रहा था खुद ला दे फिर हेलमेट उतरवा रहे, तो नहीं आना नहीं है इतने से काम के लिए यार, ये बहुत नेतागिरी से करते हैं, 0 स्टार देंगे इसको, ले भैया 0 स्टार लेकिन हमारी रेटिंग से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इनको। तो भाई 12:10 पे आज का हमने ही फर्स्ट ऑर्डर पिक कर लिया, और फर्स्ट ऑर्डर 4.8 किलोमीटर 15 मिनट दिखा रहा है, सागरपुर लेके जाना है, तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट से। इसका ये फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, थैले में डाल देते हैं, ये बढ़िया है यार ऊपर जाने की झंझट खत्म। अरे लेकिन ये थैले तो ढंग के रख लो भैया, इसमें तो घुसे नहीं था, ये कैसा थैला है भाई, लो भैया गया जैसे तैसे, ले लो भैया
इतने थर्ड फ्लोर से यार थैला लटका रखा है। ये फर्स्ट ऑर्डर में मिल गए हमें। अच्छा पहले तो प्याज बेच ले भाई, मैं नहीं बोल रहा। पिकअप ड्रॉप मिला के ये 5 किलोमीटर का ऑर्डर था। 5 किलोमीटर के हमें 51 रुपये मिल गए। आधा घंटा लग गया इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में और अब आ चुके हैं हम सागरपुर की शानदार गलियों में। अब यहाँ से मुझे जनकपुरी जाना पड़ेगा तभी हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। तो फटाफट जनकपुरी भागते हैं और दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। सागरपुर से जेल रोड आ गया, ओम स्वीट पे मल्टी ऑर्डर कर दिया। पहले सिंगल था 24 रुपये का, फिर मल्टी कर दिया 57 या 59 के आसपास। आधे घंटा होने को आ रहा है यार ऑर्डर, हालांकि रेडी नहीं होने पे आ रहा। ऑर्डर है ही नहीं, इतने सारे राइडर खड़े हैं तो ऑर्डर तो कहाँ से ही होगा। 12 मिनट लेट दिखा रहा है एक ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर दिखा रहा है 5 मिनट लेट। पता ही नहीं यार कितना टाइम लगेगा इस ऑर्डर में। वेट कर रहा हूँ यार, 1:10 हो गए, मल्टी ऑर्डर आ रखा है। इसकी बता दो ना जो ये रेडी पड़ा है, नंबर क्या है इसका? यही तो नहीं है। हाँ मतलब कब से पड़ा है, मैंने तो देने वाला कोई नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, सुन ही नहीं रहा। दोनों ऑर्डर कब के रेडी पड़े हैं ये? अरे नए नए देने में लग रहे हैं, दिमाग खराब करते हैं यार ये। कितनी देर का ऑर्डर रेडी पड़ा, दे नहीं रहे, गुस्सा दिलाते हैं यार। साले मजाक बना के रखते हो। वैसे साला टाइम इतना लग रहा है, तो 1:20 हो गया, ये आया था 12:50 पे, आधा घंटा खराब करा है बेमतलब में। ऑर्डर रेडी पड़े हैं दे नहीं रहे यार, हद कर रखे इन्होंने। चलो ये ऑर्डर ड्रॉप करते हैं। एक ऑर्डर है 1.5 किलोमीटर का और एक ऑर्डर है 2.5 किलोमीटर, कुल मिला के 5 किलोमीटर के आसपास हैं ये दोनों ऑर्डर, तो इनको ड्रॉप करते हैं फटाफट से। तो भाई मल्टी में से एक तो दे दिया, दूसरा देना है 619 रुपये लेने हैं। पेमेंट हो रहा है मैम इसकी 619। कितने गए हैं? खुले हो जाएंगे क्या? 700 है ना, 620 लेना ना, दे दो 80 रुपये। हेलो ना, मैं रखता हूँ 500 के तो खुले रख ही था हूँ, इसी चक्कर में कि कस्टमर का पता नहीं होता। ठीक है मैम, थैंक यू। लो भाई ऑर्डर डिलीवर मार्क कर देते हैं 1:38 पे। भाई खुले तो हमेशा रखनी चाहिए, 57 ही दिखा रहा था, 57 दे दिया, 50 मिनट लगे हैं और रेस्टोरेंट पे बहुत वेट करना, आधा घंटा रेस्टोरेंट पे खराब और ऑर्डर दोनों ड्रॉप करने में। ओ भाई बैक टू बैक ऑर्डर दे रहा है, चौथा ऑर्डर भी दे दिया 41 रुपये का, 3.5 किलोमीटर का ड्रॉप है पिकअप पास का, ये अच्छा है। तो चलो इसको भी पिक करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट ऑर्डर है भाई, ये दुकान नहीं है, ये है रेडी है कुलचा सेंटर। ओहो देख रहे हो कितनी भीड़ लग रही है, धर्मवीर कुलचा सेंटर। ऑर्डर भाई पता नहीं कितनी देर में मिलेगा, लाइन लग रही है यहाँ, तो देखता हूँ ऑर्डर रेडी कर रखा है नहीं कर रखा है। यार आप भी अगर कोई फूड वूड का काम करते हो तो जोमेटो स्विगी से अटैच करो, क्या दिक्कत है? कितनी, ओ भाई साहब 9 मिनट दिखा रहा है, लेकिन पहले टक्कर मारो अंकल। ये जोमेटो का ऑर्डर दे रहे हो भाई, लग नहीं रहा नंबर आ जाएगा, इतनी भीड़। वाह कस्टमर का मैसेज आ रहा है, क्या कह रहा है कस्टमर? प्लीज़ कीप चेंज 500, यू विल अमाउंट 212 रुपये। भाई इसको देने पड़ेंगे कितने रुपये? 280 रुपये देने पड़ेंगे, 200 तो है 50। भाई ये भी सही है, चलो कस्टमर ने पहले ही मैसेज कर दिया, देखते हैं यार। लेकिन ये ऑर्डर देखो कितनी देर में देते हैं, यहाँ तो भाई बहुत भीड़ हो रखी है, लाइन लग रही है। लो भाई ऑर्डर मिल गया, बड़ी जद्दोजहद के बाद इतनी भीड़ लग रही है, बताओ यार। खाने पीने का तो दिल्ली में कुछ भी खोल लो तुम, खूब चलेगा। अभी ऑर्डर लेके जाना है 3.5 किलोमीटर दूर, 1:50 पे पिक किया है, तो चलो इसको भी ड्रॉप करते हैं फटाफट से। 2 बजे आज का हमारा ऑर्डर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 4 किलोमीटर का ऑर्डर था, 40 रुपये मिल गए, आधा घंटा लग गया इस ऑर्डर को भी कंप्लीट करने में। अब 2 घंटे में मेरे ऑर्डर हो गए 4 और इंसेंटिव के लिए करने हमें 7 ऑर्डर, यानी कि 3 ऑर्डर और करने इंसेंटिव के लिए। बाकी यार मैं सोच रहा था 4 घंटे में 10 ऑर्डर हो जाते तो 2 स्पिन मिल जाती हमें, लेकिन 2 की जगह आज 1 ही स्पिन मिलेगी,
क्योंकि बार बार क्या है खाली जाना पड़ रहा है जोन में ना जाना पड़े ना, ऐसी जगह का ऑर्डर आए जहाँ से ऑर्डर तुरंत मिल जाए तो टाइम भी बचता है, अर्निंग भी अच्छी हो जाती है, ऑर्डर भी काफ़ी हो जाता है, गाड़ी भी कम चलती है, पेट्रोल भी कम लगता है। लेकिन एरिया उल्टी सीधी जगह भेज देता है ना, अब बार बार सागरपुर की साइड भेजे जा रहा है और यहाँ से जनकपुरी तक खाली ही जाना पड़ता है, बार बार खाली जाना पड़ रहा है और फिर ये छोटी छोटी गलियाँ और फिर यहाँ ट्रैफिक मार देता है। अभी आया था तब भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, अब जा रहा हूँ तब भी ट्रैफिक से गुजरते हुए जाना पड़ेगा, टाइम ख़राब होगा। फिर जोन में पहुँचने के बाद कब नेक्स्ट ऑर्डर आएगा, तो ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो चलो जोन में भागते हैं और दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। ऑर्डर देना ये 02-01 ये वाला है, पिक कर लेता हूँ। हो गया पिकअप चनकपुरी। ओहो शायद बरोड़ा भी आए यहाँ पे रिव्यू करने। सही है ठीक है भैया। क्या कह रहे हो, हिलाना नहीं है? हाँ कोई बात नहीं, आराम से डिग्गी में रख के ले जाएंगे। अब मैजिक पिन वाला फ्री हेलमेट, मैजिक पिन जो मुझे मिला था। अरे बारिश की बूंदें गिर रही हैं, बारिश का था 3 बजे का मैजिक पिन वाला जो मुझे हेलमेट मिला। भाई किसी को लेना है तो ले लेना, ये वाला ब्लू वाला भैया ने लगा रखा ना हेलमेट, तो ये वाला हेलमेट मैं कह रहा हूँ भी जो बांटे थे विकासपुरी वही वाला हेलमेट है ये ना, वही कह रहा हूँ मेरे पास पड़ा है, किसी को लेना हो तो ले लेना। यार बारिश तेज आ रही है, अरे यार तो काम नहीं करने देगी बारिश। 3 किलोमीटर का ऑर्डर है जनकपुरी का। ओ भाई 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 इतनी तेज़ बारिश क्यों आ रही है, रुक जा भाई, इसके बाद 2 ऑर्डर और करवा दो फिर जाए, जितनी मर्जी बारिश आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। बारिश आ रही है लेकिन कंपनी रेन मोड ऑन नहीं करती, तो बहुत तेज़ होती जा रही है बारिश तो यार। ओ ओ ओ, ओ हेलमेट तो लगा लो, गोप्रो गीला ना हो जाए, अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन बादल वैसे लग नहीं रहे बारिश वाले, खुले हुए हैं कहीं तो बारिश वैसे ही है, बस हवा में उड़ने वाले बादल हैं, लेकिन बारिश आ रही है भाई साहब, मेरी बारिश काम नहीं करने देगी। शाम का था बारिश का अलर्ट, और 3 बजे का ही था, 2:30 बज रहे हैं अभी, 3 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक है बारिश आने का अलर्ट पूरा पूरा। शाम को 7 भी नहीं है शायद, रात के 10 बजे तक का ही है बारिश का तो, और लेकिन सुबह भी आ गई 1.5 घंटे बारिश अच्छी तरह से, और अब ये फिर आ गई। ओहो तो अच्छी तरह बारिश आ रही है यार, बहुत तेज़ बारिश। गोब्रो निकाल के अंदर रख लिया जाए, चलो कंटिन्यू बारिश आएगी तो फिर अपन लास्ट में मिलेंगे। अगर बंद हो जाती है थोड़ी देर में, लग तो रही है यार बंद हो जाएगी क्योंकि धूप निकल रही है, वैसे ही है यार थोड़ी देर की बारिश, लग नहीं रही मुझे लंबी आएगी ये बारिश। हाँ तो यार सारे ऑर्डर कैश के ही आ रहे हैं, इसमें भी 387 रुपये कैश लेना है, 387 फर्स्ट फ्लोर पे देना है। आ गया कि फर्स्ट फ्लोर आ गया, आ गया नहीं भाई 387 चेंज नहीं, मैम ऑनलाइन दे दूँ आपको, क्योंकि मेरे पास सारे ही 500 के दिए जा रहे हैं, 30 रन नोट है 500 का, है ही नहीं मेरे पास सेम 500 के हैं सारे। या तो आप ऑनलाइन कर दो या मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, जैसे मर्जी कर लो आप। ठीक है मैम थैंक यू। लो भाई पेमेंट मिल गई पार्किंग में, अब इसको ऑर्डर को डिलीवर मार्क करते हैं। बारिश आ रही थी, रेन सर्च तो ऐड करेगा नहीं, उम्मीद तो नहीं है, फिर भी कर दे तो अच्छी बात है। 38 रुपये भाई 4.5 किलोमीटर के, कोई बात नहीं। और भाई अभी जो ये वो दे रहा है स्पिन, अभी मैं दिखाता हूँ आपको ग्रुप में हमारे स्पिन दे रहा है, 500 रुपये मिल निकल रहे हैं लोगों के, देखो 500 रुपये निकले हैं भाई के, पता नहीं किसके निकले हैं, लेकिन हमारी किस्मत में तो भाई कुछ और ही लिखा है। अब दिखा रहा है रेन मोड। ओ भाई बारिश के 40 रुपये दे दिए, और भाई 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 कहाँ से, सिंह बिग पंजाबी बर्गर, चलो ऑर्डर तो पिक कर लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं भाई, हम ये स्पिन करके देखते हैं दुनिया के 500 रुपये निकल रही है, हमारा क्या निकलता है। हे भाई गुरु भगवान का नाम लेके स्पिन कर देते, ट्र क्या 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 50 रुपये बहुत अच्छे, कुछ तो डंका दिया जोमेटो ने मजे, चलो ये बढ़िया है 50 रुपये स्पिन में निकल गए हमारे, वाह 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 मजे आ गए। तो चलो हमारा ये ऑर्डर नंबर 6 भी आ गया, इसको पिक करने चलते हैं फटाफट से, 2:30 बजे आया ये। जोमेटो भी कमाल करता है भाई, जब बारिश आ रही थी जब रेन सर्च दिया नहीं उस ऑर्डर में, और अब बारिश बिल्कुल भी नहीं आ रही, धूप आ रही है अब तो, अब दे रहा है 40 रुपये, लेकिन हटा ना दे
दे दे, ऑर्डर रेडी पड़ा है हमारा, ऑर्डर पिक करते हैं। 3960 भैया, 3960 देना। 3960 सही है, शाबाश, टाइम से ही दे दिया तुमने तो। चलो ये आज का ऑर्डर नंबर 6 पिक कर लिया हमने 2:45 बजे, और इसको लेके जाना है चंदर बिहार। 5 किलोमीटर का ऑर्डर है, 15 मिनट दिखा रहा है। तो चलो इसको भी ड्रॉप करते हैं फटाफट से। बर्गर सिंह से ही है, बर्गर सिंह से ही ऑर्डर है। 110 माहौल, अच्छा सनी माहौल। लो भैया, कैश ही कैश दे रहे हैं आज तो सारे। हाँ भैया, मेरा रोचक तथ्य टीवी के नाम से है ना, मैंने ये देखा ना, GoPro, इसी की व्लॉगिंग करता हूँ। लो भाई, एक और ऑर्डर डिलीवर हो गया, ऑर्डर नंबर 6। 96 रुपये 6 किलोमीटर के, 40 रुपये मिल गया हमें रेंज सर्ज। अब चंदर बिहार से जाना पड़ेगा, फिर खाली विकासपुरी तक, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। तो चलो दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। जोमेटो कभी इतनी पागलपंती करता है ना, क्या ही कहूँ। अब मैं वापस विकासपुरी चला गया था, विकासपुरी से वापस बुलाया चंद्र बिहार का ऑर्डर लेके, और ऑर्डर कितने का है, 20 रुपये का। पिकअप दिखा रहा है उसमें 200 मीटर, और जब मैं लेने जा रहा हूँ तो 1 किलोमीटर पिकअप, क्योंकि मैं तो विकासपुरी की तरफ बढ़ लिया था। पहले ही दे देते यार, पता नहीं क्या सिस्टम है, लेट ऑर्डर आता है। वहीं से वापस आ रहा हूँ, वापस 1 किलोमीटर आया हूँ, और 1 किलोमीटर दोबारा, 2 किलोमीटर बेमतलब में गाड़ी चल रही है यार। पेट्रोल वाली गाड़ी है हमारी, बैटरी वाली नहीं है। पर बैटरी वाली भी हो तो भाई टाइम तो ख़राब उनका भी हो ही रहा है, पेट्रोल नहीं लग रहा तो क्या हुआ, ऐसे बहुत टाइम ख़राब होता है। बताओ, वापस चला गया था और चंद्र विहार से कभी ऑर्डर नहीं देता। आज पता नहीं कौन से नशे कर लिए, चंद्र विहार से वापस बुलाया, विकासपुरी पहुंच गया था, फिर वापस ऑर्डर लेने जा रहा हूँ। 20 रुपये का ऑर्डर है मात्र। तो हग्गू राम है ना, उसने एकदम से ज़्यादा पैसे दे दिए ना, अभी 90 रुपये दे दिए इस ऑर्डर में, 6 किलोमीटर के रेंज सर दे दिया 40 रुपये। तो उसने फिर अपनी औकात दिखाई, और अरे पैसे ज़्यादा दे दिए, वो अपनी औकात पे वापस आते थे। अब 20-20 वाले ऑर्डर दे के बराबर करेंगे, टाइम ख़राब करेंगे, यही है जोमेटो यही करता रहता भाई। अब यार ऑर्डर नंबर 7 आ गया, इसको भी फटाफट से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप भी छोटा सा ही है, 200 मीटर का ही बस। तो भाई जोमेटो बोल रहा है कि आप आउटलेट की फ़ोटो डालो ताकि किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो, तो इसकी आउटलेट की फ़ोटो डालना सिखाता हूँ मैं। काफ़ी बंदे क्या करते हैं, बिल्कुल जूम करके डाल देते हैं, गाड़ी साइड में लगाता हूँ, आउटलेट की फ़ोटो इस तरह से डालो। अब देखो मैं ऐड फ़ोटो करता हूँ कि लोगों को पता लगे कि किस साइड है, अब आसपास का भी थोड़ा आ जाए, दुकान का नाम भी आ जाए। ये देखो, ये हमने डाल दी आउटलेट की पिक्चर, हो मेरा नाम जाएगा जो भी यहाँ रेस्टोरेंट पे आएगा ना, ये थैंक यू बोल दिया, शाबाश। और ये कह रहा है कि एक मिनट ब्राइटनेस करूँ, दिख ही नहीं रहा होगा, कि सेल्फी दो, गो ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप, टेक ए सेल्फी टू स्टे ऑनलाइन। ले भाई सेल्फी ले ले हमारी, जोमेटो की टी शर्ट दिखा देते थे को, ले हमने पहन रखी है, फेस डिटेक्ट भी कर लिया कैमरे के साथ। यार ये आईडी बंद ना कर दे, मैं कैमरे के साथ इसको दे तो रहा हूँ सेल्फी, मेरे को लग नहीं रहा। सेल्फी क्लिक सक्सेसफुली, ठीक है बढ़िया है। 5 मिनट दिखा रहा है, अंदर पता करते हैं ऑर्डर हमारा रेडी है कि नहीं। गाड़ी की चाबी ऐसे ही भूल जाता हूँ कई बार, तो मैं टक्कर मारना ज़रूरी है, नहीं तो ये हिलते नहीं है, अगर बोलो नहीं ना तो। धीरे धीरे करते हैं भैया, ये ऑर्डर हो रहा है वेज टर्बन स्पेशल पिज्जा, हो गया बस, ठीक है कर दो यार, यहीं कहीं पास का ही है। चंद्र बिहार में वैसे ऑर्डर आते नहीं, और तुम्हारी गली का ही है तो यार, 300 मीटर देना है आगे जाके। कस्टमर इतना भी नहीं चल सकते क्या यार, हद हो गई। ये है ना, रेडी नहीं है लेकिन पिक कर लिया मैंने, ठीक है भैया। लो भाई, 3:18 पे ये ऑर्डर नंबर 7 पिक कर लिया, और इसको लेके जाना है मात्र 130 मीटर। 1 मिनट दिखा रहा है, और कितनी देर लगेगी, 1 मिनट में पहुँच भी जाएंगे हम। हाउस नंबर है B79, और ये आ गए हम, दीपक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये ही तो नहीं है B79, ये तो पैदल ही आ जाता है यार मैं ना, ये तो D35 है। थोड़ा सा आगे दिखा रहा है लोकेशन, ख़त्म लोकेशन, तो यह हाउस नंबर लिखे नहीं हुए, ये कौन सा है भाई, सुखा हाउस, हाँ लिख रखा है उस बंदे ने सुखा हाउस। लो पहुँच गया भाई यहाँ देना है ये ऑर्डर, बताओ तो। रेस्टोरेंट भी यहाँ से दिख रहा है पूरा सामने रेस्टोरेंट। चलो कस्टमर को फ़ोन करके ऑर्डर दे देते हैं ये वाला। अरे होल्ड पे मत करो भैया, हमको हो गया हमारा,
लो भाई आज का ये ऑर्डर नंबर 7 भी डिलीवर मार्क करते हैं। 20 रुपये का ऑर्डर था। पिकअप छोटे होते हैं ना तो पैसे मिलते नहीं हैं, ड्रॉप छोटे होते तो। ये 20 रुपये मिल गए, 400 मीटर दिखा रहा है पिकअप ड्रॉप, लेकिन पिक करने 1 किलोमीटर आया हूँ क्योंकि मैं आधे रास्ते पहुँच चुका था। अब यार एक ऑर्डर और दे दे, एक ऑर्डर और करेंगे, इतने अपना टाइम हो जाएगा गिग्स कंप्लीट होने का। और 7 ऑर्डर करने थे, 7 ऑर्डर हो भी गए इंसेंटिव के लिए। ये भी जोमेटो वाले भैया आए थे देने ऑर्डर, ये तो कहीं दूर से लाए थे, मैं तो पास से ही लेके गया था यार ऑर्डर को। अब यहाँ से ऑर्डर बचता तो है नहीं, पहली बार ही बजा मेरा चंद्र विहार से ऑर्डर, और अर्निंग सही हो गई भाई 3 घंटे में 400 रुपये के आसपास। अब एक ऑर्डर दे दे यार 50-60 रुपये का, लेकिन दे आसपास का, क्योंकि अब लास्ट ऑर्डर दूर भेज देता ना फिर दिक्कत होगी, वापस खाली आना पड़ेगा। चलो दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आएगा। और बादल दोबारा से होने लग गए, लग रहा है भाई बारिश फिर से आएगी, क्योंकि कल आ तो रहा था बारिश का टाइमिंग शाम का, अब आए तो बढ़िया ना आए तो बढ़िया। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको मेरा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। ऑर्डर रेडी पड़ा है हमारे, सिंगला के ऑर्डर पिक कर लेते हैं। दे दे भैया ऑर्डर, 2 उत्तम नगर लेके जाना है, हमारी फेवरेट जगह रीच। भैया 4360 देना, रेडी है 4360। आधा किलो काजू कतली पिक कर लिया ना। चलो कैमरा कैसे, मतलब गो कैमरे से वीडियो बनेगी और क्या? यूट्यूबर हो यार, अरे कैसी बात कर रहे हो, यूट्यूबर हो पुराने साथी हो, पुराने हैं भाई, काफी पुराने हैं। तो काम स्टार्ट नहीं, काफी टाइम से कर रहा हूँ। ठीक है भैया ना, चले लो भाई उत्तम नगर लेके चलते हैं। हमारा आज का ये ऑर्डर नंबर 8 3:40 पे, इसको डिग्गी में रख लेते हैं, आराम से जाएगा। उत्तम नगर की पावन धरती पे जाना है भैया, लास्ट में तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ से आशीर्वाद लिए बिना तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। ट्रैफिक नहीं है और जाना भी सही जगह है, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना। 13 मिनट दिखा रहा है 4 किलोमीटर के, तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट से। थैंक यू। हेलो भैया, आज का ये लास्ट ऑर्डर भी डिलीवर मार्क कर दिया हमने, ये था पिकअप ड्रॉप मिला के 5.5 किलोमीटर का, 47 रुपये। आईडी कर दी है बंद। टोटल अर्निंग तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी बत्रा जी से वह पता करते हैं उनकी कैसी अर्निंग हो गई। बत्रा जी ने तो कर दिए 10 ऑर्डर, कह रहे थे 9 ऑर्डर हो गए मेरे, एक ऑर्डर और करूँगा तो 10 हो जाएंगे, तो 2 स्पिन मिलेंगे। मुझे तो एक ही स्पिन मिला क्योंकि 8 ही ऑर्डर हुए हैं, हर 5 ऑर्डर पे स्पिन दे रहा है ये। अब शाम को यार बारिश का पता नहीं है कैसी रहे ना रहे, पर हमारा मन नहीं कर रहा जोमेटो करने का, क्योंकि अभी हमारा जो इंसेंटिव है 140 रुपये वाला कंप्लीट हुआ है जो लंच पे दे रहा था। अब शाम को जो इंसेंटिव कंप्लीट होगा ना, जैसे डिनर वाला इंसेंटिव कंप्लीट हो गया, तो वो फिर अलग से नहीं देता जोमेटो। जो ज़्यादा इंसेंटिव होता है दोनों में से, जैसे डिनर वाला मान लो 200 का है और अभी लंच में करा है हमने 140 वाला, तो वो 140 वाला नहीं मिलेगा, खाली 200 वाला ही मिलेगा, तो हमें तो शाम को 60 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। तो इसलिए हम प्लान कर रहे हैं कि शाम को जोमेटो ना करके या तो लॉड शेयर किया जाए या फिर किया जाए स्विगी, क्योंकि स्विगी भी सर्ज चला रहा है। अब जोमेटो में जितना कमाना था दिन में कमा लिया, शाम के लिए जोमेटो वैसे अच्छा है, अगर दिन में ना किया होता ना तो शाम को जोमेटो बहुत अच्छी अर्निंग कराता, लेकिन हमने दिन में कर लिया तो हमें इंसेंटिव उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए जितना हम काम करेंगे। तो वो अभी डिसाइड करेंगे पत्राव जी और मैं कि क्या करना चाहिए शाम को। बाकी अभी तक की मेरी अर्निंग मैं बता देता हूँ आपको, इंसेंटिव ऐड नहीं हुआ, टोटल अर्निंग मेरी हो गई 8 ऑर्डर और 462 रुपये की अर्निंग हुई है, 312 ऑर्डर अर्निंग है। ऑर्डर अर्निंग 4 घंटे के हिसाब से कम है, बाकी इसमें 50 रुपये स्पिन में जीते थे वो हैं और 60 रुपये इंसेंटिव ऐड है, 80 रुपये और इंसेंटिव ऐड होगा इसमें। अब बत्रा जी से स्क्रीनशॉट मंगा के वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो अभी तक गाड़ी चली है मेरी 44 किलोमीटर, यहाँ से फटाफट घर भागते हैं और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2 hours later 6 बज गए हैं, बत्रा जी और मेरा डिसाइड हुआ है कि हम स्विगी में लॉगिन करेंगे। उसका रीज़न है कि भाई स्विगी दे रहा है हमें 20 रुपये सर्च प्लस बारिश आती है तो 45 रुपये यानी 65 रुपये सर्च देगा और 20 रुपये ऑर्डर 85 पड़ेगा अगर बारिश का सर्च देता है तो, नहीं तो 40 रुपये पर ऑर्डर हमें मिलने वाला है। 6 बजे से दे रहा है ये और इसकी कोई कंडीशन नहीं है, तो स्विगी देता है तो उम्मीद है कि हाँ रेन सर्च भी देगा, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। तो अपन 6 बजे लॉगिन कर लेते हैं स्विगी को। शर्ट की फ़ोटो मांगेगा तो मैंने शर्ट की शिफ्ट बुक, अरे भैया शिफ्ट भी बुक करवाएगा कि ले शिफ्ट बुक कर लेते हैं। लो भाई शिफ्ट बुक हो गई हमारी, अब जा सकते हैं क्या हम ऑनलाइन? 4 से 6 वाली भी बुक करनी पड़ेगी। लो भाई
शिफ्ट विफ्ट बुक करने का बेमतलब में दे रखा है, उसका कोई सेंस है नहीं, बस ये शिफ्ट इंसेंटिव दे रखा है। सर जो चल रहा है 20 रुपये, लो स्विगी में ऑनलाइन आ जाते हैं, हम आ गए हैं। फ़ोटो अभी नहीं मांगेगा, जब आप ऑर्डर पिक करने पहुंच जाओगे ना, जब फ़ोटो मांगता है आपकी शर्ट की और बैग की, तो बैग की तो आपको पता है मैं कैसे देता हूँ, बाकी शर्ट पहन के ही जा रहा हूँ जैकेट के अंदर। तो चलो वेट करते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर का। लॉगिन करते ही स्विगी का ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया, ये जनकपुरी लेके जाना है। अब अपन शाम को मिलेंगे, डायरेक्ट दिखाऊंगा स्विगी के कितने और ऑर्डर करता हूं मैं आज। 9:45 बज रहे हैं, मैंने आईडी कर दी है बंद, अभी तक मेरी गाड़ी चली है 84 किलोमीटर। आईडी बंद करने का रीज़न एक तो ये है कि मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं आ रहा, जैसे बेचारे ये वेट कर रहे हैं। और दूसरा, बत्रा जी ने भी आईडी बंद कर दिया है, उनका रीज़न भी मैं घर चल के बताता हूँ। और मेरे साथ क्या हुआ स्विगी में, आज 4-5 ऑर्डर करे तो वो सारी डिटेल मैं एक बार घर बताता हूँ आपको क्या हुआ। और ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मेरी आईडी ऑन है, 8 बजे लास्ट ऑर्डर किया था, उसके बाद 47 मिनट हो गए अभी तक ऑर्डर नहीं आ रहे। और मेरे ही नहीं, काफ़ी सारे राइडर ये दो बैठे हैं, और बहुत सारे जेल रोड आगे, ये जेल रोड, ये सारा जेल रोड पे काफ़ी सारे राइडर बैठे हैं स्विगी वाले, उनके पास भी ऑर्डर नहीं है। तो घर चलते हैं, बाकी बातें घर चल के बताता हूँ मैं आपको। तो भाई घर आके देखा तो स्विगी की तरफ से अनाउंसमेंट आया है दिल्ली में, डियर स्विगी पार्टनर, टैग इशू की वजह से आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, स्विगी टीम इस पर काम कर रही है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा, कृपया घबराए नहीं और अपनी आईडी लॉगिन करे रहें। तो भाई हम तो लॉग आउट करके आ गए थे, उसके बाद आया अभी ये अपडेट आया थोड़ी देर पहले, स्विगी अपडेट, वी आर बैक, अब टैग इशू रिजॉल्व हो गया है, स्विगी ऐप पर ऑर्डर आ रहे हैं, कृपया अपनी आईडी लॉगिन करके डिलीवरी करें और अर्निंग करें। भैया आप कौन जाएगा काम करने, 9:30 हो गए यार, स्विगी का कोई टैग प्रॉब्लम थी इस वजह से ऑर्डर नहीं आ रहे थे, मैं भी घर आ गया, बत्रा जी भी घर आ गए, अब टोटल अर्निंग बताता हूँ मैं आपको। भाई सोचा था फुल डे काम करेंगे, लेकिन भाई स्विगी धोखा दे गया, बहुत गलती कर दी स्विगी में काम करके, शाम को जोमैटो ही करते तो ही अच्छा रहता, लेकिन अब जो किस्मत में लिखा है भाई वही मिलेगा। मेरी अर्निंग की बात करें, बत्रा जी की भी बताऊंगा, चैलेंज भी कंटिन्यू है, क्योंकि दोनों ने सेम कंपनी में काम किया है, दोनों ने सेम कंपनी को सेम टाइम दिया है, बिल्कुल बराबर टाइम दिया है, तो चैलेंज हमारा कंटिन्यू है। तो अर्निंग बताता हूँ, पहले मेरी जोमैटो की आप अर्निंग देख लो, लगभग 550 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है जोमैटो में, और उसके अलावा स्विगी में काम किया है तो स्विगी में भी 250 रुपये की, लगभग मेरी 785 रुपये की टोटल अर्निंग हुई है। 785 में से मेरी गाड़ी चली थी 85 किलोमीटर, तो 185 रुपये आप पेट्रोल के हटा लो, तो पेट्रोल के रुपये हटाने के बाद मेरी टोटल अर्निंग जो बचती है वो होती है 600 रुपये। और अब मैंने 6 घंटे ही काम किया है, दिन में 4 घंटे काम किया था और शाम को 6 से 8 2 घंटे ही काम किया था, 8 बजे बाद तो ऑर्डर आने बंद हो गए थे और मैं घर आ गया, तो 6 घंटे में 600 रुपये की अर्निंग हो गई, ठीक ठाक अर्निंग हो गई टाइम के अकॉर्डिंग। अब बत्रा जी की अर्निंग मैं आपको ऐप में चल के दिखाता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पर चल के दिखाता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक अर्निंग का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा नहीं है। बत्रा जी की अर्निंग का स्क्रीनशॉट आ गया मेरे पास, बत्रा जी ने देखो दिन में जोमैटो किया था, मैंने भी किया था, उनके 10 ऑर्डर कंप्लीट हो गए थे, टोटल अर्निंग हुई 636 रुपये, जिसमें 386 रुपये ऑर्डर अर्निंग है, 110 रुपये एडिशनल ये स्पिन विन वाले हो गए, और 140 रुपये ऑफर के। और शाम को स्विगी किया था उन्होंने, मेरे बराबर ही किया था, 2 घंटे स्विगी किया था, स्विगी में उनके 4 ऑर्डर 181 रुपये की अर्निंग हुई है, 181 स्विगी और 636 रुपये जोमैटो, टोटल 817 रुपये की बत्रा जी की अर्निंग होती है। और वो ईवी ओला से करते हैं तो उनका पेट्रोल लगता नहीं है, तो उनकी टोटल अर्निंग हो जाती है 817 रुपये की, और मेरी अर्निंग बचती है पेट्रोल हटाने के बाद 600 रुपये की। यानी कि बत्रा जी ये चैलेंज जीत चुके हैं, मुबारक हो बत्रा जी आपको। बत्रा जी के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐसे ही लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट चैलेंज आप किस किस कंपनी का देखना चाहते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी शानदार वीडियो के साथ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दो दूनी चार पक्के बदमाश सारे सारे मेरे यार।